जॉय गेबिया और ब्रियान चेस्की सैन फ्रांसिस्को के जिस शहर में रह रहे थे उस रेंटेड घर का रेंट तक देने में उन्हें दिक्कत हो रही थी, तो उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा कैश जनरेट करने की सोची। उन्होंने क्या किया, अपने उसी रेंटेड घर के लिविंग एरिया में 3 एयर मैट्रेसेस डाले और अगले दिन एक वेबसाइट खोली, एक छोटी सी वेबसाइट खोली और उस वेबसाइट का नाम रखा एयर बेड एंड ब्रेकफास्ट। यहाँ पर वो लोगों को सोने के लिए बेड प्रोवाइड कर रहे थे और ब्रेकफास्ट प्रोवाइड कर रहे थे। तो इस तरह से एक छोटे से आइडिया की शुरुआत हुई। पर क्या कोई सोच सकता है कि ये आइडिया आने वाले 10 सालों में 10 बिलियन की कंपनी क्रिएट करने वाला था। आज ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट कंपनी पूरी दुनिया में 190 से भी ज़्यादा देशों में, लगभग 34,000 से भी ज़्यादा शहरों में ऑपरेट कर रही है और इसका नेटवर्थ 26 बिलियन से भी ज़्यादा है। Airbnb ने जिस वेबसाइट को बनाया था ये 2-साइडेड प्लेटफॉर्म को क्रिएट करती थी। मतलब एक तरफ तो इसके कस्टमर थे जिन्हें रूम या हाउस रेंट में चाहिए थे और दूसरी तरफ इनके सर्विस प्रोवाइडर थे जो अपने रूम या हाउस रेंट में प्रोवाइड करते थे। अब इसके लिए सवाल आता है कि इन्होंने सबसे पहले कस्टमर को ढूंढा होगा या सर्विस प्रोवाइडर को। तो ऑब्वियसली अगर इनके पास रूम नहीं होंगे या फिर हाउस नहीं होंगे रेंट में प्रोवाइड करने के लिए, तो कस्टमर अगर आएगा तो उसे वो कुछ दिखा नहीं सकते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने अपने सर्विस प्रोवाइडर को ढूंढा, मतलब ऐसे लोगों को ढूंढा जो अपने रूम या अपने घरों को रेंट में दे सके। अब इसके लिए उन्होंने कस्टमर की तरह सोचा कि मान लेते हैं कि अगर ये वेबसाइट नहीं होगी तो कस्टमर सबसे पहले कहाँ जाएगा। कस्टमर सबसे पहले प्रॉपर्टी ओनर्स को ढूंढेगा। तो इन्होंने भी यही किया, ये भी सबसे पहले प्रॉपर्टी ओनर्स के पास गए और उन्हें ये समझाया कि अगर वो उनकी वेबसाइट में अपने आप को लिंक कराएंगे तो उनके टेनेंट के मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इस तरह से सबसे पहले तो उन्होंने अपने सर्विस प्रोवाइडर क्रिएट किए, सर्विस प्रोवाइडर को अपनी वेबसाइट से जोड़ा। अब बात आती है कि एयरबीएनबी ने ये होस्ट और ये गेस्ट के बीच में ट्रस्ट कैसे बनाया। जनरली हम कहीं पे भी घूमने जाते हैं, अगर हमें रूम चाहिए या हमें हाउस चाहिए तो सबसे पहले कस्टमर के माइंड में एक सवाल आता है उसकी सेफ्टी का, कि वो जहाँ रहने जा रहा है वो जगह सेफ है या नहीं। पता चला वो कहीं गया और लुट गया, चोरी हो गई, रॉबरी हो गई, तो ऐसा ना हो। तो सबसे पहले उसके माइंड में सवाल आता है ट्रस्ट फैक्टर का। बिल्कुल इसी तरह जो भी इंसान अपने घर का कोई एक रूम लेट आउट कर रहा है या अपना पूरा घर लेट आउट कर रहा है, उसके माइंड में भी सबसे पहले सवाल आता है कि वो किसी अजनबी को अपने घर का एक कमरा कैसे दे दे, कहीं वो पूरा घर लूट कर चला गया, चोरी करके चला गया। तो अब सबसे बड़ा इनके सामने चैलेंज था वो था ट्रस्ट फैक्टर, कि ये होस्ट और ये गेस्ट इन दोनों के बीच में ट्रस्ट को कैसे बनाया जाए। इसके लिए उन्होंने एक रिसर्च की, उन्होंने पाया कि लोग अक्सर एक ही उम्र के लोगों पर या फिर सेम ज्योग्राफिक एरिया के लोगों पर या फिर लोग सेम कल्चर के लोगों पे जल्दी विश्वास कर लेते हैं। मतलब जहाँ सिमिलैरिटी होती है ना वहाँ लोग जल्दी विश्वास करते हैं, बजाय इसके कि जहाँ सिमिलैरिटी ना हो। इसके बाद उन्होंने थोड़ी सी रिसर्च और की। इस रिसर्च में उन्होंने पाया कि लोग रेपिटेशन को सिमिलैरिटी से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। तो इसका मतलब उन्हें समझ आया कि उन्हें रेपिटेशन बिल्ड करनी है जो होस्ट और गेस्ट के बीच में ट्रस्ट को बिल्ड करेगा। तो रेपिटेशन बिल्ड करने के लिए Airbnb ने बहुत ही स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस बनाई, बहुत ही स्ट्रिक्ट रेगुलेशन बनाए अपनी दोनों पार्टीज के लिए, अपने कस्टमर के लिए भी और अपने सर्विस प्रोवाइडर मतलब अपने होस्ट के लिए भी। Airbnb का बिजनेस डिपेंड करता है ट्रस्ट फैक्टर पे, रेपिटेशन पे। तो इसीलिए अपनी कम्युनिटी को मॉनिटर करने के लिए इसे बहुत सारा पैसा लगाना पड़ता है, बहुत सारा टाइम लगाना पड़ता है, एनर्जी और रिसोर्सेज लगाने पड़ते हैं। अपनी कम्युनिटी को मॉनिटर करने के लिए इसे इतनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है ताकि ये इंश्योर किया जा सके कि जितने भी लोग इनकी कम्युनिटी में हैं वो अपना रोल ढंग से प्ले कर रहे हैं।
और आपको जानकर हैरानी होगी कि लगभग 1000 में से 10 होस्ट को इन्हें बूट करना पड़ता है। नेक्स्ट बिजनेस स्ट्रेटजी है, कस्टमर को वही दिया जाए जो दिखाया जा रहा है। जनरली होता क्या है, अगर आप किसी भी टीवी कमर्शियल ऐड को देखते होंगे तो आप देखते होंगे कि उस ऐड के थ्रू प्रॉमिस तो कुछ और किया जा रहा है कि प्रोडक्ट से ये हो जाएगा, बट एक्चुअल रिजल्ट कुछ और ही होता है। पर एयरबीएनबी के मालिक चाहते थे कि जैसा आपको दिखाया जा रहा है, जैसे रूम्स आपको दिखाए जा रहे हैं, जैसे घर आपको दिखाए जा रहे हैं उनकी वेबसाइट में, एक्चुअल में जो आपको रूम्स या घर मिले वो भी बिल्कुल वैसे ही हो। पहले क्या होता था, पहले जितने भी सर्विस प्रोवाइडर होते थे वो क्या करते थे, खुद ही अपने आईफोन से फ़ोटो क्लिक करते थे और इन्हें सेंड कर देते थे और ये अपनी वेबसाइट में लिस्ट कर देते थे कि इस लोकेशन पे ये रूम है या इस लोकेशन पे ये घर है। पर इन्होंने ऑब्ज़र्व किया कि जो फ़ोटोज़ थी उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी, जिसकी वजह से इनका जो कस्टमर है उसको दिखता कुछ और था और जब वो कस्टमर एक्चुअल में वहाँ जाता था तो होता कुछ और था। तो इन्होंने ध्यान दिया कि जो इनकी साइट है उसकी फ़ोटोग्राफी को इम्प्रूव करना चाहिए। तो इसके लिए इन्होंने प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र हायर किए और उन प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र को ये अपने जो सर्विस प्रोवाइडर होते थे उनके साइट पे भेज देते थे रूम या घर की फ़ोटो क्लिक करने के लिए और वो अच्छी सी फ़ोटो अपनी वेबसाइट में डाल देते थे। तो अब इससे क्या होता था कि जैसी लोकेशन है, जैसा रूम है, जैसा घर है, वैसी ही इमेज कस्टमर को दिखेगी। तो कस्टमर को जैसा दिखेगा वैसा ही मिलेगा, तो ये क्लैरिटी पे विश्वास करते थे। इसका फ़ायदा भी उन्हें खूब मिला क्योंकि इनके बिज़नेस में जनरली जो लोग ट्रैवल कर रहे होते थे उन्हें रूम की ज़रूरत होती थी। सपोज़ आप किसी दूसरी सिटी में ट्रैवल करने गए, किसी दूसरे कंट्री में, किसी दूसरी सिटी में ट्रैवल करने गए, तो वहाँ पर आपको रहने के लिए एक दो दिन के लिए कोई रूम चाहिए, तो ऐसे लोग इनकी वेबसाइट की हेल्प लेते थे। तो अब होता क्या था कि ऐसे लोग जनरली पूरे साल में 2 या 3 बार ही आएंगे, क्योंकि आप घूमने कब जाते हो, साल में 2-3 बार ही घूमने जाते होगे। अब ऐसा तो होता नहीं है कि आप पूरे साल ही घूम रहे हो। तो ऐसे केस में क्या होता है कि अगर इनका कस्टमर को एक बार भी इनकी सर्विस अच्छी नहीं लगी तो वो कस्टमर दोबारा नहीं आएगा। तो ये इंश्योर करते थे कि इनका कस्टमर जो भी आया है उसको बिल्कुल वही चीज़ दिखाई जाए जैसी वो चीज़ एक्चुअल में है। तो इस तरह से इन्होंने अपने कस्टमर को लॉयल बना दिया। इनकी नेक्स्ट बिजनेस स्ट्रेटजी है कि आपको मार्केट के अंदर तब घुसना चाहिए जब मार्केट में आपके कस्टमर की भीड़ लगी हो, क्योंकि ऐसे केस में आपका जो कॉम्पिटिटर है, आपका जो मेन कॉम्पिटिटर है जिसने मोनोपोली क्रिएट कर रखी है, उसको नहीं पता चल पाएगा कि मार्केट में एक न्यू एंट्रेंट आ चुका है। ऐसा कब होता है, मान लेते हैं कि कोई मेला लगा है या फिर कोई त्यौहार है या फिर आपके शहर में कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज है जिसकी वजह से कस्टमर की भीड़ लग गई है मार्केट के अंदर। तो ऐसे केस में जब आप मार्केट में घुसते हैं क्योंकि कस्टमर इतने सारे हैं, तो आपका जो कॉम्पिटिटर है उसको फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर उसके कुछ कस्टमर आपके पास आ जाएंगे। तो ऐसे केस में आपको अपने बिजनेस का स्टार्टअप कर लेना चाहिए और जैसे जैसे आपका प्रोडक्ट आपके कस्टमर को पसंद आने लग जाएगा, आपका प्रोडक्ट कस्टमर के माइंड में बैठ जाएगा, आप क्या कर सकते हो, अपने मार्केट को एक्सपैंड कर सकते हो और अपने कॉम्पिटिटर को बता सकते हो कि हम भी मार्केट में हैं। Airbnb ने भी यही पॉलिसी अडॉप्ट की। इन्होंने अपने बिजनेस का स्टार्टअप तब किया जब सैन फ्रांसिस्को में एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हो रहा था। क्योंकि वो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हो रहा था तो अलग अलग जगह से, अलग अलग शहरों से लोग आकर वो प्रोग्राम अटेंड कर रहे थे, जिसकी वजह से सारे होटल के रूम बुक हो चुके थे और उसके बाद भी लोगों को रहने के लिए जगह नहीं मिल पा रही थी। अब क्योंकि सारे रूम बुक हो गए हैं और लोगों को जगह नहीं मिल पा रही है, तो लोगों को जैसी भी जगह मिलेगी लोग वहाँ पर जाकर रहना, क्योंकि उनकी मजबूरी है तो लोग वहाँ पर जाकर रहेंगे। तो ऐसी ही सिचुएशन का फ़ायदा उठाया Airbnb ने और उन्होंने अपनी सर्विसेज स्टार्ट की। उन्होंने लोगों को बेड प्रोवाइड किए, सिर्फ एयर बेड मैट्रेसेस प्रोवाइड किए विद ब्रेकफास्ट। तो इस तरह से उन्होंने अपने बिजनेस का स्टार्टअप किया।
आज एयरबीएनबी होटल इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट बन गई है। जनरली होटल इंडस्ट्री को ऑपरेट करने के लिए ह्यूज कॉस्ट लगती है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट, मेंटेनेंस की कॉस्ट। बजाय इसके एयरबीएनबी सिर्फ एक वेबसाइट के थ्रू ऑपरेट कर रही है। ये अपनी वेबसाइट के थ्रू अपने दोनों होस्ट और गेस्ट को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है और दोनों से कमीशन चार्ज करती है। इसके अलावा एयरबीएनबी अपनी वेबसाइट के थ्रू अपने गेस्ट को एक कस्टमाइज सॉल्यूशन देती है। तो जनरली जो लोग घूमने जाते हैं, अगर वो 5-स्टार में बुकिंग करते हैं, तो जनरली ये जितने भी होटल्स के रूम होते हैं वो एक जैसे होते हैं, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता होटल्स के रूम में। बजाय इसके कि एयरबीएनबी अपने गेस्ट को अलग अलग तरह के रूम्स प्रोवाइड कर सकती है। लोगों के घर अलग अलग होते हैं, घर का इंफ्रास्ट्रक्चर अलग होता है, घर के बाहर के व्यूज़ अलग अलग होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे ये जो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, ये एज अ होस्ट अपने गेस्ट के लिए काम करते हैं। तो क्योंकि ये अपने एरिया के लोकल होते हैं, तो ये अपने गेस्ट को उस लोकल एरिया के बारे में ज़्यादा अच्छे से बता सकते हैं। उसके अलावा एयरबीएनबी की वेबसाइट में जाकर इन होस्ट के रिव्यूज़ भी पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से गेस्ट डिसाइड कर सकते हैं कि उसे किस तरह के घर में जाकर रहना है, किस तरह के घर में जाकर रूम लेकर रहना है, और वहाँ का होस्ट कैसा है उसके रिव्यूज़ पढ़ सकता है।